हिंदुस्तान न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। बड़ी खबर, जयपुर जिले के कोटपुतली के बीडीएम अस्पताल में आज आग लग गई, जिससे अस्पताल प्रशासन के हाथ फूल गए और मरीजों में अफरा तफरी मच गई। आग अस्पताल के गायनिक वार्ड में लगी थी। आग लगते वक्त पूरा जच्चा बच्चा वार्ड भरा हुआ था। एसी फटने से आग लगी थी। आग लगते वक्त जयपुर जिला कलेक्टर भी कोटपुतली में मौजूद थे और अधिकारियों की मीटिंग ले रहे थे। तमाम अधिकारी मीटिंग में थे तो वहीं आग लगने के एक घंटे तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी अस्पताल नहीं पहुंची। बताया जा रहा है कि किसी ने बाहर रखे एसी आउटर में बीड़ी सिगरेट फेंक दी थी, जिससे एसी फट गया और वार्ड में आग लग गई। आग लगने पर वार्ड में अफरा तफरी मच गई और अस्पताल कर्मचारी, नर्सिंग स्टाफ और लोगों ने खिड़कियों के शीशे तोड़कर गायनिक वार्ड में भर्ती महिलाओं और नवजात शिशुओं को बाहर निकाला। लोगों ने और नर्सिंग कर्मचारियों ने अपने स्तर पर ही आग पर काबू पाया। अस्पताल के नर्सिंग कर्मचारियों की संजीदगी से बड़ा हादसा होते होते बच गया। आज आग के दौरान इनका सराहनीय कदम चर्चा का विषय रहा। वहीं कोटपुतली के निकटवर्ती ग्राम केशवाना में स्थित एक फैक्ट्री में जबरदस्त आग लग गई। हालांकि आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चला है, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि लगभग लाखों रुपए का नुकसान होना बताया जा रहा है। वहीं मौके पर कोटपुतली सहित जयपुर, नीमराना, बहरोड की दमकलों को बुलाया गया है। कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। मौके पर फायर अधिकारी सहित पूरा पुलिस प्रशासन मौजूद है। डॉक्टर साहब, अपना नाम बताइए। हाँ, मैं डॉक्टर चावला, एज ए वर्किंग एज सीएमओ, एज वेल एज काफ़ी सीनियर डॉक्टर हूँ। यहाँ मैं ड्यूटी पर आया, तुरंत पी एम एस साहब का फोन आया मेरे पास में, क्या तुरंत मैं बात किया आया, और जो मेरे जो डी बी सी के कार्यकर्ता थे सारे हॉस्पिटल वालों ने तुरंत बात किया है। मरीजों को तुरंत शिफ्ट करवाया, शिफ्ट करवाने के बाद में आपके काबू पा लिया। किसी प्रकार की कोई गलत अभी सब सबसे कुशल है, प्रभु की असीम कृपा रहेगी। किसी प्रकार की कोई टेंशन, थैंक्स गॉड, थैंक्स फॉर ऑल।